नमस्कार डीएसएनई डायरेक्टर कराउन इमिग्रेशन। हमारी टीम लगातार अलग अलग मुद्दों के ऊपर में बात करती है, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के ऊपर में डीप रिसर्च करते हैं। और जो आज का हमारा विषय है, आज की हम चर्चा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन पुर्तगाल। पुर्तगाल मीन्स बिजनेस। रियली आई वॉज इन पुर्तगाल एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड अवर बिजनेस इन पुर्तगाल। इट्स रियली ग्रेट एंड बेस्ट डेस्टिनेशन टू स्टार्ट बिजनेस इन पुर्तगाल। सो इस विषय के ऊपर में हम डीप और बातचीत करेंगे, पुर्तगाल के अंदर में बिजनेस कैसे करें और वहाँ पे रेजिडेंसी कैसे लें बिजनेस के अंदर में। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर चोपड़ा जी, संजीव चोपड़ा जी, जो हमारे इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेट डायरेक्टर हैं और बहुत सारे विषयों के ऊपर में इन्होंने रिसर्च की है, काम किया हमारे साथ में। सो आज ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चोपड़ा जी, मैं आपसे एक सवाल पुर्तगाल के बारे में पूछना चाहता हूँ। पुर्तगाल के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो टीम है, आप भी उसमें शामिल हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, और भी बहुत बड़ी हमारी टीम है जो इसे मुद्दों के ऊपर में चर्चा करती है अक्सर। आप अपना एक्सपीरियंस जो हमारे दर्शक या हमारे व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं, आप अपना पुर्तगाल इन्वेस्टमेंट के ऊपर में जो अभी तक आपका एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करें प्लीज़। नमस्कार जी, माई सेल्फ संजीव चोपड़ा। पुर्तगाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन यूरोप। तो चाहे इंडिया में, चाहे फॉरेन कंट्रीज़ में, जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोगों का होता है कि हमने यूरोप में जाकर अपनी रेजिडेंसी लेनी है फैमिली के लिए, वहाँ पर बिजनेस सेटअप करना है, तो ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके पीछे मेन रीज़न है कि अगर आप पुर्तगाल में, यूरोप में रेजिडेंसी चाहते हो, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रीसेटलमेंट चाहते हो, और आपके पास ऑलरेडी वैलिड शेंगेन वीज़ा है, चाहे आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है या एनी अदर टाइप ऑफ वीज़ा है, तो आप वहाँ पर पुर्तगाल में अपनी फैमिली की रीसेटलमेंट कर सकते हो और वहाँ पर एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ज़्यादातर कॉमन लोगों का यही होता है कि वो दे वांटेड टू गेट ए रेजिडेंस इन यूरोपियन कंट्री, जैसे बहुत सारे लोग ये चाहते हैं। तो जो उनका कोई आर्टिकल है उसके बारे में कुछ आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कौन से आर्टिकल के अंदर में जाके वो वहाँ पर रेजिडेंसी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 89.1 एंड 89.2, कोई भी पर्सन, चाहे इंडिया से, चाहे किसी भी फॉरेन कंट्री से, चाहे दुबई से, कुवैत से, एनी अदर कंट्री, अगर वो पुर्तगाल में जाते हैं तो 89.1 एंड 89.2 आर्टिकल्स के अंडर वो वहाँ पर अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं और उस बेस पर उनकी पूरी फैमिली को रेजिडेंसी मिल सकती है वहाँ पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगाल के अंदर जी जी। तो ज़्यादातर कॉमन लोगों के हमारे ये भी क्वेश्चन आते हैं, मैं एलैबोरेट करना चाहूँगा, क्योंकि लोग काफ़ी ये पूछते हैं कि हम वहाँ रहना नहीं चाहते, हम रह नहीं पाएंगे। ऑफकोर्स यू डोंट वॉन्ट टू स्टे, यू हैव टू फॉर्म ए कंपनी ओवर देयर। अपनी कंपनी को बॉर्न कीजिए वहाँ पे। स्लोली स्लोली अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, आफ्टर ग्रोइंग द कंपनी, जैसे 2-3-4-6 महीने में आपकी कंपनी ग्रो कर जाती है, तो आउटसाइड से आप अपना रेजिडेंस वीजा अप्लाई कर सकते हो आर्टिकल 60 के अंदर में। वीजे को आर्टिकल हम 60 है, आप पुर्तगाल का अगर आप लाओ पढ़ोगे, 60 नंबर आर्टिकल है जिसके अंदर आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड आउटसाइड से वीज़ा अप्लाई कर, एंटरप्रेन्यर्स जो होते हैं या स्टार्टअप वाले जो होते हैं जिन्होंने अभी नॉन हैबिचुअल रेजिडेंस परमिट भी है एक वहाँ पे, वो सारे लोग आर्टिकल 60 में बाहर से इंडिया, अपना पुर्तगाल से आउटसाइड से वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद जैसे वो पुर्तगाल में पहुँचेंगे तो उनका जो रेजिडेंस परमिट है वो आर्टिकल 89 एंड पैराग्राफ 1 में कंसिडर। ठीक है, जो आपने 2 बताया आर्टिकल 89 पैराग्राफ 2, वो उन लोगों के लिए जो वही रहना चाहते हैं, वो जाएं बिजनेस स्टार्ट करें वही रह जाएं, दे कैन अप्लाई रेजिडेंस परमिट अंडर आर्टिकल 89 एंड पैराग्राफ 2। तो इसमें ये मेन चीज़ ये है कि आपके पास वैलिड शेंगेन वीज़ा होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड शेंगेन वीज़ा है और आप वहाँ पर अपना ऑफिस खोलना चाहते हो यूरोप में, तो पुर्तगाल इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर दैट। एंड अगर आप वहाँ पर सेटलमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको जो फैसिलिटीज़ वहाँ के सिटीजन्स को मिल रही हैं वो आपको भी मिले, मेडिकल फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो, तो आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर सेटल हो सकते हो। अभी आपने एक सवाल अभी बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेडिकल की बात की चोपड़ा जी आपने, वहाँ पर आपको मेडिकल इंश्योरेंस नंबर इशू हो जाता है अगर आप मोर देन 90 डेज, 90 दिन से ज़्यादा पुर्तगाल के अंदर में रहते हो, उनके सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हो और आप कहते हो कि मुझे 90 डेज से ज्यादा रहना है, सो यू विल गेट ऑल मेडिकल बेनिफिट्स इमीडिएटली। दे विल इशू यू मेडिकल नंबर, जो मेडिकल नंबर है एनी फॉरेनर, इवन फॉरेनर है, सिटीजन है, आपके पास में रेजिडेंसी है या नहीं है उससे कंसर्न नहीं है। आप 90 डेज से ज्यादा पुर्तगाल में रहना चाह रहे हो या रह रहे हो, यू आर एलिजिबल टू गेट मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट मीन्स आपको हॉस्पिटल में जाना है तो आपकी कोई फीस नहीं लेंगे डॉक्टर्स, मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिख के दी है वो मेडिसिन आपको फ्री मिलेगी फार्मेसी वगैरह से। सो ऐसे मेडिकल के बेनिफिट आफ्टर 90 डे इमीडिएटली स्टार्ट हो जाते हैं। बिजनेस अगर आप वहाँ पे अपना फ्लोर कर लेते हो, लाइसेंसिंग आप ले लेते हो, कंपनी फॉर्मेशन करते हो, बहुत सारे फॉरेनर के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है,
ऑफशोर कंपनी और ऑनशोर कंपनी. ऑफशोर कंपनी मींस यू डोंट वांट टू स्टे देयर, अपनी ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो. ऑफशोर कंपनी के ऊपर में टैक्सेशन बहुत ही कम है, बहुत कम टैक्स है वहाँ पे. आप ऑफशोर कंपनी खोल के अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, लेकिन वो फिजिकल वर्क नहीं है उसमें, सिर्फ ऑनलाइन आप बैंकिंग ऑपरेशंस रहते हैं ऑफशोर कंपनी में. ऑनशोर कंपनी के अंदर में क्या होता है, आप फिजिकल रहते हो, काम करते हो और रेजिडेंस मिल जाएगी. और इसका एक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे आपकी कंपनी फॉर्मेट होगी. एक सिंपल फॉर्म में कि जैसे आपको, आपके पास शेंगेन वीज़ा है, आप वहाँ पर पहुँचोगे पुर्तगाल में. पुर्तगाल में हमारा अपना ऑफिस है, वहाँ से एयरपोर्ट पर आपको पिकअप कर लेंगे हमारी टीम. वहाँ से आपकी हमारी अकोमोडेशन है, वहाँ पर आप रहोगे. 10-12 दिन का प्रोसेस होगा आपका, कि जैसे आपकी हम लीगल एंट्री करवाएंगे, देन आपके हम फाइनेंस नंबर वहाँ पर अप्लाई करेंगे, देन आपका रेजिडेंस डोमिसाइल का हम अप्लाई करेंगे. उसके बाद हम आपका बैंक अकाउंट खोलेंगे. बैंक अकाउंट खोलने के बाद वहाँ पर हम आपका मेट्रो पास बनाएंगे, देन सिम कार्ड लेंगे. उसके बाद हम आपकी कंपनी क्रिएट करेंगे. हम आपकी कंपनी क्रिएट करेंगे. कंपनी क्रिएट करके उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर लेंगे, कंपनी का लेंगे, आपके जो पार्टनर्स होंगे सबका सोशल सिक्योरिटी नंबर लेंगे. मैं यहाँ पे चोपड़ा जी आपको थोड़ा सा और एलैबोरेट, आप कह रहे हैं जैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन किया. कंपनी क्रिएशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. व्हेन यू वांटेड टू क्रिएट ए कंपनी इन पुर्तगाल, आप पुर्तगाल के अंदर में कंपनी क्रिएट करना चाहते हो, यू शुड हैव ए निफ नंबर, जो कि आपने पहले भी बताया वो होना ही चाहिए. उसके बाद आपके पास में एक ऑफिस एड्रेस जरूरी है एक साल के लिए, जहां जिस डिपार्टमेंट में हम कंपनी फॉर्मेशन करने जाते हैं. तो दयास का आपका ऑफिस कहाँ पे, कंपनी ने जन्म कहाँ पे लिया, तो वो हम हमारी अपनी खुद की वहां पे ऑफिस स्पेस है. हम आपको डेस्क जो अलाउ कर सकते हैं, अगर आपको डेस्क चाहिए, अगर आपको वर्चुअल ऑफिस का एड्रेस चाहिए वो दे सकते हैं, फिजिकल ऑफिस का एड्रेस चाहिए, फिजिकल रह के आपने डेस्क लगा के काम करना है वो भी दे सकते हैं. तो अवेलेबल है वो सर्विस भी, हमारी जो टीम है पुर्तगाल के अंदर में वो कंपनी फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं. इसके बाद में MOU मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाना पड़ता है. कंपनी के रूल्स क्या हैं, कंपनी करेगी क्या, कंपनी में कौन लोग शेयर होल्डर होंगे, उनकी सारा डिफाइन करना, उसको हम MOU कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वो भी हमारे जो एक्सपर्ट टीम है, हमारे जो लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, वो सारा जनरेट करते हैं. वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है. व्हेन वी गो टू द फॉर्मेशन ए कंपनी, सो दे आस्क सम डॉक्यूमेंट्स वी शुड हैव ट्रांसलेट इन पोर्चुगीज लैंग्वेज. वी हैव अवर ओन ट्रांसलेटर्स, हमारे खुद के ट्रांसलेटर्स हैं, वी कैन डू दैट आल्सो. सो वो सारी जो सर्विसेज हैं, ऐसा हासिल फ्री रहता है. जो हमारा इन्वेस्टर या हमारा स्टार्टअप हमारे पास आएगा पुर्तगाल के अंदर में, हम ऑन ग्राउंड जीरो से लेके उसको एंड तक सारी सर्विसेज मुहैया करवाते हैं. इसके बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब आप कंपनी फॉर्म कर लेते हो, जैसे कि आपको भी पता ही होगा, हम जब कंपनी फॉर्म कर लेते हैं पुर्तगाल के अंदर में, तो उनका जो डिपार्टमेंट है हमें 15 दिन का टाइम देता है. आप पूछेंगे किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए 15 दिन का टाइम देता है. 15 दिन का टाइम इसलिए देता है कि विद इन 15 डेज यू हैव टू एक्टिव यूअर कंपनी इन द टैक्स डिपार्टमेंट. जैसे कि कंपनी फॉर्मेशन डिपार्टमेंट अलग है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट इमीज जो कंपनी फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो फटाफट नोटिस भेज देता है टैक्स वालों को कि इस बंदे ने कंपनी फॉर्म की है, और साथ में हमें एक लेटर देता है स्टैंप मार के कि 15 दिन के अंदर में आप अपनी कंपनी को एक्टिव करो. दैट सर्विस वी विल डू. हमारे खुद के अकाउंटेंट है वहाँ, खुद की टीम है, तो इन्वेस्टर को परेशान होने की जरूरत नहीं, उसे कोई अकाउंटेंट नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो हम करवाएंगे. उसकी कंपनी को हम इमीडिएटली टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. रजिस्ट्रेशन किस चीज़ की, जैसे कि बैट नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर कंपनी का, कंपनी की एक्टिवेशन इन ऑल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स विच इज रिलेवेंट अथॉरिटी, या कोई स्पेशल लाइसेंस रिक्वायर्ड है उसको बिजनेस करने के लिए, वो हम मुहैया करवा देते हैं. तो ये 15 दिन के बीच बीच में उसका बैंक अकाउंट, जैसे कि आपने बताया पर्सनल अकाउंट के बारे में, पर कंपनी का भी बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो वो भी हम अवेल करवाते हैं. जैसे कि हमारी टीम वहाँ पे आपको है ही है, ऑफिस है, तो वो भी हम मुहैया करवाते हैं. तो उसके बाद में फर्दर यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन अदर थिंग्स. उसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट्स को सबको कलेक्ट करके हम सेफ डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, जो कि वहाँ का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है. तो वहाँ पर भेजने के बाद एक साल के अंदर अंदर आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड वहाँ से इशू होगा, तो तब तक आप लीगली वहाँ पर बिजनेस अपना रन कर सकते हो. कुछ पर्सन होते हैं जिनके यहाँ पर भी अच्छे बिजनेस हैं इंडिया में भी, या किसी भी उनके जो होम कंट्री वहाँ पर, तो यहाँ पर कंपनी सेटअप करके, ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर आपको रहना पड़ेगा और एक साल के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, आप आ नहीं सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. आप वहाँ पर बिजनेस सेटअप करके अपनी होम कंट्री में, अपनी होम सिटी में आ जाओगे, वहाँ पर आप जो अपना वर्क कर रहे हो आप करोगे. आफ्टर दैट, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद हम आपकी पूरी फैमिली का डी वीज़ा अप्लाई करते हैं वहाँ पर फॉर द TRC.
फैमिली मेंबर्स की रेजिडेंसी के लिए भी और आपका भी। मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ, क्योंकि जब हमने डी वीज़ा अप्लाई करना है, जैसे कि चोपड़ा जी ने बताया कि 3 मंथ में या 4 मंथ में, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये बताना आपको ज़रूरी मैंने समझा यहाँ पे, इसलिए ज़रूरी समझा कि ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी फॉर्म कर ली वहाँ पे, कंपनी फॉर्म करने के बाद में यू विल गेट एन डी वीज़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू मेंटेन एंड ट्रांजेक्शन योर कंपनी, योर कंपनी शुड हैव सम एक्टिविटीज, कुछ सेल कर रही है, कुछ परचेज कर रही है, कोई इनवाइसेज जनरेट हो रहे हैं। इफ यू आर अनेबल टू जनरेट द इनवाइसेज, इट इज रियली हार्ड टू गेट रेजिडेंस। सो ये बिल्कुल जरूरी है कि वहां पर आपका टैक्स, आप पेमेंट, टैक्स की पेमेंट करेंगे, yeah, वो तभी करेंगे जब आपका बिजनेस वहां पर रन हो रहा है, और उसको रन करने के लिए आपको अकाउंटेंट्स की जरूरत है, टैक्स लाइबिलिटीज की जरूरत है, वहां पर इंप्लॉइज की जरूरत है। तो वहां पर हमारा अपना ऑफिस होने का रन, हम आपकी उसमें पूरी हेल्प करते हैं, आपको प्रोवाइड जो लीगल मैटर के लिए हम लायर्स अपने प्रोवाइड करते हैं, जो अकाउंट्स के लिए हमारे अकाउंटेंट्स वहां पर होते हैं, और जो आपको एम्प्लॉयज चाहिए या उनकी इंटरव्यू को कंडक्ट करवानी है, वो सब हम वहां पर आपकी हेल्प करते हैं, ताकि आपका बिजनेस प्रॉपर वे से वहां पर रन हो और आप पुर्तगाल गवर्नमेंट को टैक्स दें, ताकि आपकी और आपकी फैमिली की वहां पर प्रॉपर TRC हो सके। तो जो मेन मकसद है कि आपका बिजनेस भी चले, आपको रेजिडेंसी भी मिले, वो पूरा हो सके। जी जी, क्योंकि यूरोप में जाने के वक्त बंदे को सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है पुर्तगाल के अंदर में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में, लैंग्वेज बैरियर होता है वो, और डिपार्टमेंट इतने सारे हैं कि उसको काफ़ी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम करवाने होते हैं वहाँ, ना लैंग्वेज आने के कारण ही इज़ रियली किलिंग सो मच टाइम, उसका टाइम बहुत कंज्यूम होता है, बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता, और इसके साथ साथ में उसका जो फाइनेंशियल वो भी कंज्यूमिंग में बहुत जाता है, लेकिन हम उसको रेडी देते हैं, मीन्स खाना उसको परोसा परोसा मिल जाता है, सिंपल वो एयरपोर्ट पे जाता है, हमें पहले डॉक्यूमेंट हम बता देंगे, इसके बाद उसकी कंपनी फॉर्मेशन के काम, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट मेंटेन के काम, इमिग्रेशन के काम, ये सारा जो हमारा वहाँ पे फिजिकल ऑफिस है, दे आर मेंटेनिंग दैट, वी विल मेंटेन दैट एवरीथिंग। अगर वहाँ पे किसी को ब्रांच ऑफिस खोलना है, नया ऑफिस खोलना है, कंपनी फॉर्म करनी है, ऑफशोर कंपनी बनानी है, ऑनशोर कंपनी जनरेट करनी है, या ब्रांच ऑफिस रखना है, या जैसे एक वर्चुअल ऑफिस रखना है वहाँ पे उसने, या फिजिकल ऑफिस खोलना है, या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रोजेक्ट लगाना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी टीम पुर्तगाल से लेकर के आपको डिलीवर कर सकती है। तो जिन पर्सन्स ने वहाँ पर चाहे रेजिडेंसी लेनी है, चाहे उनको शौक है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, तो वहाँ पर अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो उन सब के लिए हम अच्छी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उनको कोई टेंशन ना हो, और जब वो आए पुर्तगाल में एक तरह से जेब में हाथ डालकर आए, क्योंकि उनको कोई टेंशन ना हो, हमारे यहाँ पर सारे हमें हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। जैसे कि ये स्क्रीन पे हमारे नंबर भी चल रहे हैं, ये सारे व्यूवर्स जो हमारे देख रहे होंगे, अगर क्योंकि ये जो टीवी वाले हमें ज्यादा नहीं देते, क्योंकि ये कहते हैं कि फिनिश हो गए, टाइम हमारा ज्यादा हो जाए, सो इसलिए हम ये प्रोग्राम के नीचे अपने नंबर भी दे रहे हैं, अगर आप और ज्यादा डीप जानकारी चाहिए वहां पे कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में, बड़ी अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं पुर्तगाल के अंदर में, तो आप हमारे जो नीचे नंबर दिए इन पे कॉल करके रब्ता कायम कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं, और डीप जो जानकारी है जो हमारे पास में प्रेजेंटेशन या लेटेस्ट अपडेशंस आए हुए हैं वो आपके साथ में हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपके साथ डीप और बेहतरीन जो जानकारी लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी और मेरे सहयोगी मिस्टर चोपड़ा जी, इनको दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।